नमस्कार आदाब, आज हम आए हैं जाफराबाद में, जहां पर हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं उन महिलाओं से जो इस इलेक्शन की एक तरह से रीढ़ की हड्डी हैं। यहां पर 21,000 महिलाएं हैं पूरे दिल्ली में और करीबन 25 से 27 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो स्कीम वर्कर्स हैं पूरे देश में जो काम कर रही हैं। उन्हें किस तरह से ICDS में एम्प्लॉय किया गया है और अब वो इलेक्शन के टाइम पर एक तरह से BLOs भी बन चुकी हैं, तो उन लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजवति गौतम, मैं शाहदरा प्रोजेक्ट में आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। मैं यहाँ पिछले ग्यारह साल से वर्क कर रही हूँ आंगनवाड़ी में, और यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हमें देखनी पड़ती है एरिए से संबंधित और अपने काम को लेकर। सबसे पहले तो हमारा जब सैलरी है वही कुछ भी नहीं है, कह लो अगर कहा जाए तो, जैसे आजकल महंगाई है उस हिसाब से महंगाई इतनी है बट सैलरी नहीं, 9,678 क्या होता है उसमें, कुछ भी नहीं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्या सिर्फ वेतन पर ख़त्म नहीं होती, उनका इस्तेमाल सरकार अपनी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी करती है, जबकि इसके लिए उन्हें कोई अलग से पैसा नहीं दिया जाता। इसी कड़ी में आगे हमने बात की अफरोज से, जो आंगनवाड़ी में एक हेल्पर के तौर पर काम करती हैं। कहते हैं कि वो करो बर्थडे करो बच्चों का, वो अपने पास से करो सब कुछ, है ना। और उसमें भी बुला लेते हैं हमको रैलियों में कि ये कभी तो उसकी प्रेगनेंट की रैली निकालो, कभी क्या कहते हैं वो उसके सफाई की बेटी बचाओ की सारी रैलियों में हमसे ही काम करवाते रहते हैं। और टीकाकरण का वो आशा वर्कर से तो करवाते हैं, हमसे भी करवाते हैं, ड्यू लिस्ट बनवाते हैं, और अब पैड बांटने की जिम्मेदारी भी हमारी हो गई लड़कियों को। पैसों की बात आए तो आधी तनख्वाह आप दे दिया, आधी पता नहीं कब देंगे। सरकारी स्कीम वर्कर्स के मुद्दों को लेकर कितनी सजग हैं, यही बात हमने जानने की कोशिश की दिल्ली आंगनवाड़ी हेल्पर्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी कमला जी। एक तो इनको जो वेज मिलता है बहुत लड़ने के बाद 10,000 के करीब वर्कर को मिलता है और 5,000 के करीब हेल्पर को मिलता है, पूरा नहीं है ना, उसका 10,000 है ना इसका 5,000 है। बहुत सारे सेंटर उसमें वर्कर नहीं है, तो जो दूसरी नज़दीक में वर्कर है उसको 200 रुपया दे के उससे काम लिया जाता है, मतलब वो सर्वे वर्वे जितना भी काम होगा वो करेगी। एक्चुअली में तो वो सेंटर चल ही नहीं रहे हैं ठीक से, अगर उस तरह देखा जाए ये अपना काम करें या वो दूसरा काम करें। और बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जिनमें हेल्पर ही चला रही है और वो पढ़ी लिखी भी है, वो सब कुछ है, और नहीं भी है तो भी वो क्या कर रहे हैं, सारा काम करती है, सर्वे करती है, खाना बांटती है, सब करती है, लेकिन उसको 200 रुपया भी नहीं देती, तो ये एक्सप्लाइटेशन नहीं है। और सर्वे होता है, जानवरों का सर्वे हमसे कराएं, और कोई भी इवन कोई भी सर्वे डिस्पेंसरी से भी होता है वो भी हम ही करते हैं, जिसका हमें अलग से कुछ नहीं मिलता। आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारियों की सिर्फ नौकरी या सैलरी ही समस्या नहीं है, सरकारें लगातार फंड कट के साथ ही इन्हें निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही हैं, और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार बराबर की भागीदार नजर आती हैं। ना कांग्रेस, ना BJP, ना केजरीवाल, तीनों ने आंगनवाड़ी के बारे में कुछ नहीं बोला है। और उनका तो ये है, सेंट्रल सरकार का भी हमने BJP का पढ़ा घोषणा पत्र, उसमें तो उन्होंने साफ लिखा है कि हम इनका प्राइवेट करेंगे, उसने लिखा। और कांग्रेस ने ही जो आज BJP कर रही है वो मिशन मोड में लेके आई कांग्रेस, और कांग्रेस भी यही कर रही है, कर रही थी और कर रही है, जिस भी जगह पे हैं वो भी यही कर रहे हैं। केजरीवाल भी कुछ नहीं बोल रहे, इवन अगर केजरीवाल ये बोलते हैं कि हम प्राइवेट नहीं करना चाहते तो हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ मिल के आंदोलन करो कि आप इसको प्राइवेट नहीं करेंगे, वो उसके लिए तैयार नहीं, इवन वो तो यूनियन से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें बहुत सारी महिलाएं तो ये हैं कि जो जिनका घर ही इससे चलता है उनका क्या होगा, उनको आप कौन सा जॉब देने वाले, क्या हिंदुस्तान में जॉब है, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी जॉब नहीं है, वैसे ही जॉब की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे, ये तो पकौड़े बनवाएंगे, सेंटर सरकार पकौड़े बनाएंगी, अब ये क्या करवाएंगे, हमारी समझ से बाहर है।